मैं रेड काटने वाला था, पर अब हम ब्लू वायर को कट करेंगे और ये हो चुका है स्टॉप। हेलो गाइस, कैसा सभी लोग। तो गाइस आज हम एक लंबे अरसे के बाद प्ले करने वाले इसके टीचर 3D गेम। तो गाइस मज़ा तो आज आने वाला है, पर और भी ज़्यादा मज़ा आ सकता है अगर तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आप करते हैं अपने गेम प्ले को स्टार्ट, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो आज हम प्ले करने वाले हैप्पी स्टार और इसके अंदर दो लेवल को आज हम क्लियर कर देंगे, जो कि है फ्लाइट क्लब और ईस्टर डिजास्टर, जो कि भाई मस्त होने वाली दोनों। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस इसको प्ले करने के लिए। तो ये क्या है, ये तो गाइस अपन यहाँ नहीं पढ़ने वाले, अपन सीधे अंदर चलेंगे और अंदर जाकर ही देखेंगे जो कि है प्रैक्टिकल। और तुम ये देख लो गाइस, सीधा ही मिस्टी समझाते कि भाई हमको क्या करना है। तो भाई मिस्टी का कुछ प्लान है और हम दोनों परेशान हैं, जो मेरी दोस्त है वो। और भाई मिस्टी कुछ सही नहीं करने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है गाइस, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर और लिखा कर आ चुका है फाइंड ए वे टू रिवेंज मिस्टीज प्रैंक। तो गाइस हमको करना है मिस्टी के साथ प्रैंक और कुछ नहीं। और बाकी की मिस्टी सीधा सीधा मेरे मुंह पर क्यों आ रही है। हेलो मिस्टी, तू बाहर क्यों आ रही है यार, मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं इसकी बैंड बजा देता इधर ही। आया जा मिस्टी, अरे 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 भागो भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पल भर में जज्बा बदल दिया तूने तो। अंडे मार कर फेंक रही, अच्छा अंडे मार के नहीं, अंडे मार के मुझे भगा रही, उल्टा बोल दिया यार। काफ़ी दिन हो गए ना मिस्टी, इसलिए बाकी मैं तेरी बैंड बजाऊंगा आज, रुक जा तू, जरा से रुक जा। ये गलत है गाइस यार, इसको अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये वहाँ जा रही है जहाँ मेरा काम है यार, ऐसा थोड़ी बनेगा यार काम। यार योगा कर रही है तू, योगा मेरा काम बिगाड़ रही है। कल्याण हो तुम्हारा मिस्टी महारानी, जो तुम अंदर घर के अंदर पधारे। ओके गाइस, तो फाइनली मिस्टी अंदर जा चुकी है और अब मैं अपना काम कर सकता हूँ ईजिली। तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा मिस्टी के सीक्रेट गैराज के अंदर, वैसे इसको गैराज कहते क्या कहते हैं, अरे उधर चल। ओके मैं इधर आ चुका हूँ गाइस, बाकी का गाइस तुम देख सकते हो, ये पंछी हमेशा मेरा काम बिगाड़ता है यार आकर। तो क्यों आता भाई, मत आया कर यार। तो गाइस मेरे को चाहिए सबसे पहले तो एक वायर कटर, जो कि आई थिंक ये है, और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए ये धीरे धीरे याद आ जाएगा मुझे। पर सबसे पहले तो अपन चढ़ लेते हैं ऊपर, क्योंकि बाकी के सामान हमको ऊपर ही मिलेंगे। तो यहाँ तो बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, लेकिन अपने को बस इस खिड़की के अंदर जाना है, क्योंकि इसके अंदर ही हमको एक और आइटम मिलने वाला है, जो कि है ये। तो गाइस ये है एक एरोप्लेन, ओरिजिनल वाला नहीं, डुप्लीकेट, लेकिन है तो ये प्लेन ही, इतना तो तुम मानो गई। बाकी का और भी बहुत सारे काम है आज तो। और गाइस ये क्या है भाई, इधर तो टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, ब्लू वायर। तो इसको कट करने के लिए मेरे पास प्लास तो है, पर अभी हम इसको कट नहीं करने वाले, इसको हम करेंगे थोड़े टाइम बाद कट। रुको रुको रुको, मुझे कहीं तो और जाना है, मिस्टी का बहुत ज़्यादा खोप है मेरे अंदर अभी के लिए। तो गाइस ये एरोप्लेन अब काम आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ही मैंने कुछ तो कर दिया है। डिजर्व द बॉम्ब ऑफ द सेफ, ओके। तो अब मैं बॉम्ब को कर सकता हूँ कट, उसकी वायर को, अगर इससे पहले करता तो आई थिंक वो बॉम्ब फट सकता था। और अभी आवाज़ आ रही है बॉम्ब की, जो कि है ये, तो इसको अब मैं कट कर सकता हूँ। अगर गाइस मैं पहले इसको कट नहीं करता, ब्लू वायर, ओके मैं रेड काटने वाला था, पर अब हम ब्लू वायर को कट करेंगे और ये हो चुका है स्टॉप। ओ भाई अबे फट गया, ये फट कैसे गया। ऑल राइट गाइस, तो मैं फिर से उसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर लास्ट टाइम मैं मरा था। तो इस बार गाइस मैं कट करने वाला हूँ इस रेड वायर को, लास्ट टाइम ब्लू वायर को कट कर दिया था, अब देखते हैं कि हम अभी मरते हैं या नहीं मरते। तो गाइस होपफुली इस बार मैं नहीं मरा हूँ, लास्ट टाइम मैंने शायद रॉन्ग वायर को कट कर दिया था, रेड वायर में मर गया था। तो गाइस अब हमको इस केक को स्विच करना है एक नकली केक से, तो इसके लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके जो ऊपर के ब्लू बेरीज है उसको उठा लेता हूँ मैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं हम। उठा नहीं, अबे नहीं 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 भागो यार, ये डरा देती है और कुछ नहीं। ऑल राइट, तो ये मेरे पीछे आ चुकी है, मुझे लगता है बाहर भागना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पीछे नहीं छोड़ेगी। ऑल राइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ फिर से टेबल के पास और अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसको उठाना है। और मैंने इसको उठा लिया है और अब मुझे भागना है बस। और मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मुझे जाना है अब किचन के अंदर, और मैं आ चुका हूँ किचन के अंदर, ये मस्त बात है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको पटकना है इसके अंदर और इसके बाद यहाँ से उठाना है एक चेरी, या फिर ये क्या है पता नहीं, आई डोंट नो, पर मिस्टी आ रही है। उससे पहले मुझे इसके अंदर इसको मिलाना होगा और ये मिल रहा है। और अब इसके बाद क्या करना है यार, देखना पड़ेगा। तो मेरे पास आ चुकी है एक पिंक पिंक कुछ तो आई है, रुको सबसे पहले इसको खोलो, नहीं ये नहीं खुल रहा है, ये खुलेगा। तो इसके अंदर गाइस मुझे क्या करना था यार, तो इसको आई थिंक मुझे
सबसे पहले तो चेंज करना है। ओके इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ ब्लू वाली बेर इसको, और इसके बाद मुझे इसको वाइट करना पड़ेगा। आई थिंक ये वाइट करना है, पिंक करना है, आई थिंक इसको वाइट करना है। ऑल राइट, तो मैंने इसको वाइट कर दिया है और ये मेरी बैंड बजने वाली मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसको उठा लेते हैं और फटाफट से इसको हटाते हैं, और अब मुझे जाना है ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए एक अच्छा सा रास्ता मुझे ढूंढना पड़ेगा जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। आई थिंक गाइस इधर से एक रास्ता होता है, मुझे अच्छे से पता है ऊपर जाने का। ये रहा भाई, मुझे पता था ऊपर जाने का रास्ता होगा यहाँ पर और मुझे मिल चुका है। ये काफ़ी बड़ा प्रैंक होने वाला है यार। ओके तो मुझे इधर नहीं जाना है बल्कि दूसरी साइड जाना है। ओके हाँ, अब देखते गाइस हमको और क्या क्या करना है, अभी भी बहुत कुछ करना है। मिस्टी बस बैंड ना बजा दे हमारी। ओके जिम के अंदर आ चुका हूँ मैं, पर जिम के अंदर भी मुझे नहीं जाना था यार, मैं भटक चुका हूँ रास्ता गाइस अपना ऑफिस। ऑल राइट, तो ऑफिस के अंदर भी मुझे नहीं जाना था, पर अपन पहुँच जाएंगे कुछ ना कुछ करके, और मैं पहुँच चुका हूँ गाइस जहाँ पर मुझे पहुँचना था। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है गाइस ये देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे रेड बेरिस को लगाना है आई थिंक, तो रेड बेरिस को मैंने गाइस लगा दिया है। इसके बाद इसको मुझे पिंक करना है आई थिंक, है ना। ओके तो इसको मैं पिंक कर देता हूँ। ओके मैंने इसको पिंक कर दिया और इसके बाद इसको चेंज कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पर कौन सा रखाएगा मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, आई थिंक ये वाला यहाँ पर रखाएगा। अच्छा ये वाला यहाँ पर रखाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने रख दिया है, अब इसको ले जाना है मुझे नीचे, और इसको मुझे रखना पड़ेगा नीचे। उसके लिए जाना पड़ेगा किचन के अंदर। यार मिस्ट्री तो उधर चली गई, लेकिन मेरा काम बन जाएगा गाइस। मुझे बस फटाफट से जाकर केक को स्विच करना है और कुछ नहीं करना। और मिस्टी आई थिंक इधर ही आ रही है, पता नहीं किधर आ रही है। तो केक को मैंने लगा दिया यहाँ, और अब मुझे यहाँ से भागना है फटाफट से, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मिस्टी आने वाली है। और तुम जानते हो गाइस मिस्टी भाई बहुत बेकार है। और बाकी गाइस आई होप अपना प्रैंक सक्सेसफुल हो जाए, और तो कुछ नहीं लगता है गाइस कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। देखते हैं भाई, डर लग रहा है गाइस मुझे। ओके मिस्टी प्लीज़ प्लीज़ प्रैंक हो जाना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रैंक था यार। ओ प्रैंक हुआ, प्रैंक हुआ। ऑल राइट गाइस, ये हमारे लिए काफ़ी है कि मिस्टी हवा में जा रही है और प्लेन से भाई चिपक चुकी है, और सक्सेसफुली हमारा प्रैंक हो चुका है। मुझे लगा था नहीं होगा, पर कर लिया तुम्हारे भाई ना। ओपी चलो चलते हम नेक्स्ट प्रैंक की ओर। ओके तो ये है उसका बॉयफ्रेंड, उसका हस्बैंड जो कि उसकी मूर्ति सजा रहा है भाई, पूरी गोल्ड की लग रही है। ओके मिस्टी आ चुकी है चेक करने के लिए कैसी बनी है। हाँ हाँ ओ कुछ गड़बड़ दिखी भाई साहब, बस इतने से गड़बड़। और मिस्टी तो आग बबूला हो चुकी है गाइस। भाई साहब इसके बॉयफ्रेंड की हमेशा बैंड बजती है यार, मैं क्या बताऊँ, हर टाइम बैंड बजती है, हर एपिसोड में बजती है। मिस्टी फिर से परेशान, और एसी लगवा ली भाई, लखपति अरबपति करोड़पति हो चुकी है मिस्टी तो यार, एसी लगवा ली। वाह चलो भाई हम जा चुके हैं गाइस फिर से मिस्टी के घर के अंदर, जा नहीं बल्कि आ चुके हैं। और इसके बाद मुझे उठाना है यहाँ से बकेट, इस बार तो काम आसानी से हो जाएगा क्योंकि पहली लेवल ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी यार मेरे हिसाब से, ये भी वैसा डिफ़िकल्ट है ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए मुझे कुछ आइटम चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए ब्लैक पेचकस, नहीं यार पेचकस नहीं कहते यार, कमेंट बताना गाइस क्या कहते हैं। आई थिंक इसको प्लास या फिर वायर कटर कहते हैं, इन दोनों में से एक कहते हैं। और भी बहुत सारे सामान चाहिए जो कि मुझे याद ही नहीं कि मुझे क्या क्या चाहिए, देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो गाइस यहाँ पर पड़ा हुआ है एक बॉल या बाल, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, तो बाल मैंने उठा लिया है। और भी हमको आइटम चाहिए जो कि है, देखते हैं क्या क्या पड़ा है। ओके तो मुझे याद आ चुका है कि मुझे यहाँ से उठाना है एक, क्या है ये ये पाना है, ओके हिंदी में इसको पाना ही कहते हैं। और बस हमको इतना ही सामान चाहिए था, अब हमको चलना है मिस्टी के घर के अंदर। और मिस्टी भाई इधर ही होगी, बस एक केक मिल जाता मज़ा जाता। अच्छा रेड की भी चाहिए यार, कोई ना रेड की जरूरत तो पड़ेगी, इससे खुलेगा क्या ये देखते हैं। नहीं यार हेमर से खुलेगा गाइस, और हेमर अपने पास है नहीं, तो एक मिनट के लिए रेड की को उठा लाता हूँ मैं, यहीं पर पड़ी होती है रेड की, ये रही। और अब इसको उठाते हैं और फटाफट से इसको खोल देते हैं। और मिस्टी भाई लगी हुई है पूरा मेकअप संवारने में, वो कितना ही मेकअप लगा ले वो सुंदर तो होने से न रही। और मिस्टी है ऊपर, क्या बात है। और ये भाई इसने ट्रैप बिछा रखे यार कितने सारे, मैं बदला ले सकता था गाइस और लूँगा अगर टाइम मिला तो, बाकी का पहले काम कर लेते यार। ओके तो सबसे पहले मुझे शायद पानी का यूज़ करना है, आई थिंक पानी का करना है, किसका करना है नहीं यार बॉल को लगाना है सबसे पहले, बाल को लगाएंगे इसके बाद पानी का यूज़ होगा, और इसको हम टाइट कर देंगे, इसके बाद हम इसको कट करने वाले हैं। ऑल राइट तो अब इसको कट करने का ऑप्शन आ जाता तो अच्छा रहता यार, शायद मैं रोंग लिया है क्या यार, ऐसा लग रहा है गाइस मैं रोंग चीज़ ले आया हूँ एक, तो
तो सबसे पहले मुझे इसको सही करना पड़ेगा, उसके लिए सेट के अंदर फिर से जाना पड़ेगा। देखते यार मैं क्या रोंग उठा के लिए आया। तो मुझे शायद ये वाला नहीं बल्कि ये वाला चाहिए। हाँ गाइस ये वाला या फिर ये वाला, मैं सारे उठा लेता हूँ, जो भी काम आएगा वो देख लेंगे। मुझे पता ही नहीं यार कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ट्रिंग 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 ट्रिंग, आजा मिस्टी दो बार से लौट कर। ओके गाइस मिस्टी फिर से आ रही है, मैंने घंटी को बजा दिया है और अब हम अपना काम कर पाएंगे आसानी से। ओके अब देखता हूँ गाइस यहाँ पर कौन सा लगेगा, ये वाला ये वाला। ओके गाइस ये वाला लगना था यार, इसलिए देखो गाइस इसको मैंने लगा दिया है। और अब इसके बाद मुझे क्या करना है ये देखना पड़ेगा। तो अब हमको एसी को सेट करना है, तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। रुको रुको रुको, हाँ मिस्टी इधर ही आ रही है क्या? हाँ यार मिस्टी इधर ही आ जाएगी। कोई ना गाइस मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है। अरे यार सिट सिट सिट, भाई साहब यहाँ पर खिड़की है क्या? ये बड़ी बदतमीज खिड़कियाँ है। अरे निकलने दो यार। ओके अब इसको खोलो, अब मुझे जाने दो यहाँ से। और यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक रेड कारपेट, जिसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अभी, तो इसको उठा लेते हैं। और अब हमको चलना है मिस्टी के बॉयफ्रेंड के पास। और यहाँ पर ग्रीन लॉक लगा हुआ है, यूज़ की हैमर लॉक पिक। अरे यार ख़रीदना पड़ेगा, रुको कहाँ से खरीदते हैं। हैमर हैमर ये रहा हैमर, यूज़ करते हैं। इसको मैंने खोल दिया और अब हम चल सकते हैं अंदर। और ये आ चुका हूँ मैं अंदर, और रेड कारपेट को लेते हाथ में। और यहाँ पर पड़ा हुआ है इसका बॉयफ्रेंड, जिसको मैंने जगाना नहीं है, बस कारपेट को उठाना है। और कारपेट से हमको मिल जाएगा एक पिलो, और पिलो का आप क्या यूज़ करना है ये देखना पड़ेगा। ओके यहाँ पर एक चाकू पड़ा हुआ है, और चाकू से हम सारी की सारी इसकी जो बेदर है इसको भूले कुछ भी है इसको हमने भर लिया है बकेट के अंदर। और अब मुझे जाना है फटाफट से मिस्टी के कमरे में। मिस्टी के कमरे में नहीं जाना गाइस यार, जहाँ पर एसी लगा हुआ है वहाँ जाना है। वैसे मिस्टी अटक चुकी है यार, बाकी का मुझे कुछ नहीं करना है। इस वेदर को पूरे पूरे वेदर को जो भी पंख है उसको इसके अंदर डालना है, और अब यहाँ से निकल जाना है ईजिली। बड़े आराम से भागूंगा मैं यहाँ से, बस ये खिड़की वाला क्लीच ना हो जाए। ओके होने वाला था लेकिन मैंने कर लिया, और आ चुका है गाइस हमारा प्रैंक। और भाई मिस्टी को गर्मी लग रही है, और मिस्टी को जाना है एसी वाले कमरे के अंदर। और धड़ाक से भाई वो गिर चुकी है, और अभी भी पूरा कहानी पूरी हुई नहीं है बल्कि अभी बाकी है। अब देखना गाइस तो मज़ा आने वाला है। और ये लोग गाइस पूरे पूरे जो बेदर थे वो मिस्टी में चिपक चुके हैं, और मिस्टी बन चुके हैं कबूतर। और इसी के साथ हमारे दोनों प्रैंक कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली। आई होप गाइस तुमको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट। बाकी मैं तुम्हारा रिप्लाई दे दूंगा और देता भी हूँ। तो अब मिलते हैं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय गाइस।